दोस्तों नमस्कार, डीएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ग्वालियर किले पर आ पहुँचे हैं। इस ग्वालियर किले पर राजा मानसिंह पैलेस को देखने आए हैं। इस महल का निर्माण 1508 ई में तोमर राजा मानसिंह तोमर द्वारा करवाया गया था। इस महल में कुल 4 तल हैं, जिसमें 2 तल भूमिगत हैं और तीसरा तल भवन योजना में स्तंभों एवं कोष्ठकों पर आधारित है। दोस्तों आप देख रहे हैं, ये पूर्वी द्वार है जिसे ग्वालियर का किला गेट कहते हैं। अब हम अंदर आ पहुँचे हैं। देखिए दोस्तों कितनी सुंदर चित्रकारी, कितनी सुंदर कारीगरी यहाँ पर राजा मानसिंह तोमर के द्वारा उस समय पर ये महल का निर्माण करवाया गया था मानसिंह पैलेस के अंदर। अभी हम देख रहे हैं, देखिए दोस्तों कितना बेजोड़ कारीगरी का यहाँ पर प्रदर्शन। इस टाइल्स कुछ समय से आज तक इनका कलर आज भी वैसा वैसा ही दिखाई देता है। कितने सुंदर जाली और कमूरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये निचले तल के जाने के लिए, यानी जैसे भूल भुलैया कहते हैं, वहाँ जाने के लिए रास्ता है। दोस्तों देखिए एक पत्थर पर कितनी सुंदर कारीगरी आज देखने को यहाँ पर मिल रही है। कोई भी पर्यटक यहाँ पर आता है तो उसको देख करके उसको लगता है कि वाह क्या महल है। दोस्तों अभी हम देख रहे हैं, देखिए कितने सुंदर कंगूरे, कितना बेहतरीन बेजोड़। इस दृश्य को आप देख करके कितने फूल पत्ती, शेर मोर केलों के पत्ते, आकर्षक गुम्बद। यह इस महल के अंदर, अभी हम भूल भुलैया के अंदर जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर उस समय पे राजा की जो रानियाँ थीं, वो 8 रानियाँ झूला झूला करती थीं। बाद में जब इस महल पर मुगलों का शासन हुआ तो उन्होंने इस महल पर फांसी घर, या फिर इसको कहें कि जेल के रूप में तब्दील कर दिया। दोस्तों बहुत अंधेरा है और अब मैं बाहर निकल रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर ही दो बरामदे हैं, दो चौक हैं। इनके अंदर सुंदर चित्रकारी राजा मानसिंह तोमर द्वारा करवाई गई थी। दोस्तों इस महल में, यानी ग्वालियर किले पर, और कोई इतना सुंदर महल नहीं है जितना ये दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब हम इस महल से बाहर निकल रहे हैं और ये बाहर देखेंगे कि तोपें रखी हुई हैं। दोस्तों बेहतरीन नज़ारा ग्वालियर किले से। अब मैं आपको अपने ग्वालियर शहर का नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ। कितना सुंदर वातावरण, कितना सुंदर शहर ग्वालियर दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। आपका प्यार, आपका साथ मुझे मिलता रहे। दोस्तों धन्यवाद।